अपने शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन सुखिन सभी संतु निरामया सभी भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु सेविर्यं करवा ते जपिनौ अधीतमस्तु मद्विषाः हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्मद्या गीता भगवती की दुनिया उनकी है जो मर्जी करते रहे बेमौसमी कह लो जो मर्जी कह लो बस हो गई। हाँ तो इन दिनों हम लोग ये 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ठहरे हुए हैं जहां हमारे हजूर सुना रहे गए ये तु धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम परि उपास्ते श्रद्धा रामत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्रद्धा हजूर ने कहा वो तो मेरे वो भक्त हैं जो मेरी जात में तलीन हो गए इतने दिव्य गुणों को अपनाते हुए महाराज जी में एक मित हो गए और दिव्य नंद को प्राप्त हो गए। अब ये तो भी वर्णमाला को रखने वाले हैं धार्मिक वर्णमाला में कवर पवर चवर ट्वर्ग में लगे पड़े हैं बेचारे लेकिन महाराज जी को बड़े अच्छे लगते हैं क्यों ना हो माँ को गोदी के बच्चे बहुत अच्छा लगता है चाहे आठ बहनों की जगह आठ भाई हो लेकिन जो गोदी का बच्चा होगा वो माँ को बहुत अच्छा लगेगा। आहा और भी हम देखते हैं जो छोटी छोटी होती हैं वो बाल गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं ये भगवान के गोदी के बच्चे हैं। आह एक महापुरुष ने कहा था दो प्रकार के बच्चों को अपनी आंखों के सामने लाओ बच्चे आप गप्पे मार रहे हो मन धोखा दे रहा है मेरी ओर ध्यान दे लो कुछ ना कुछ लेके जाओ यहां से। दो प्रकार के बच्चे होते हैं महापुरुष कहते हैं एक बिल्ली का बच्चा और एक बंदरिया का बच्चा। हाँ बंदरिया के बच्चे को भगवान पहले ही उनके हाथों में पंजों में विशेष प्रकार की पकड़ की जकड़ दे देते हैं उनकी जो जकड़ है बड़ी मजबूत होती है और जो बिल्ली को बच्चा है तो वो उनको कुछ भी नहीं पता बिल्ली के बच्चे को तो कुछ ही नहीं पता बिल्ली के बच्चे क्या पता तो बिल्ली का बच्चा बेचारा कि सिर्फ म्याऊं करना जानता है सिर्फ म्याऊं म्याऊं बस सिर्फ म्याऊं करेगा माँ ही उसे इधर उधर घुमाएगी अपने मुंह में डाल करके बिल्ली की बिल्ली अपने छोटे से बलूंगड़े को बलूंगड़ा बोलती है बिल्ली को बच्चा तो माँ घुमाती है सिर्फ उसको म्याँ करने की देर है पानी पानी जाती है माँ मेरे बच्चे ने मुझे बुलाया है आहा काके का बुलावा आया है हाँ चलो जो है काके ने बुलाया है तो कहीं भी क्यों ना हो बुलावा आ गया भाग भाग के जाएगी उठा के लेकिन मदरिया का बच्चा बिल्कुल माँ को खुद जकड़ता नीचे पेट में लटके ऊपर पूरे जकड़ लेता था और वो जगह जगह भागती है जकड़ देखो जरा कितनी मजबूत जकड़ है बिल्ली के बच्चे बंदरिया के बच्चे की उसे इस टहनी से उस टहनी से बच्चा नहीं गिरता इतनी मजबूती है। भगवान कहते इस तरह दो प्रकार के मेरे भक्त होते हैं एक तो ज्ञानी है इनको बोलते हैं बंदरिया का बच्चा तालीमी बात क्या तालीमी सुहाग में जितनी उतरती जी सरकार आप खारे से उठ के तो नहीं आयो घर से उठ के आयो तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या सुंदर कि ज्ञानी यही होता है ज्ञानी खुद जकड़ता है ज्ञानी विवेक को स्ट्रांग करता है मन को स्ट्रांग करता है विवेक को मन को मजबूत बनाता है और सत असत की पहचान करता है सत की ओर भागता है
उसके सामने कोई कल्पना नहीं, उसके सामने कोई रूपक नहीं, उसके सामने कोई दाद नहीं, फरियाद नहीं, दलील नहीं, वकील नहीं। किसको कहे? निराकार को मानता है ना। इसी तो हजूर ने कहा है, खफी को न समझेंगे अहले वजूद देहधारी। निराकार भगवान को समझने में बड़ी मुसीबत महसूस करेंगे। साकार हम में है और निराकार भगवान को जाने थोड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल। इसलिए ज्ञानी अपने तरफ से बहुत मारता है जान, और उसकी साधना भी कई जन्मों से होती है। जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। जन्म पर जन्म, एक जन्म की बात नहीं है। इसी में रोका करता हूं हर एक को, ज्ञानी ज्ञानी ना कहा करो, बिल्कुल ना कहा करो, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए ज्ञानी, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ये बड़ा चोटी का शब्द है ज्ञानी, आहा, तो ये भी नहीं कहना चाहिए। और यहां जो मंदिरों में चलता है भगत, भगत भी नहीं कहना चाहिए, चाहे वो कैसी भगत क्यों ना हो, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बड़े चोटी ये शब्द है। इतने गुणों से संपन्न हो जो, तो वो ज्ञानी तो खुद जकड़ता है, निकलता है। इधर बिल्ली का बच्चा सिर्फ म्याऊ करना जानता है। तो ये जो भगवान का भक्त है, इसे बस प्रेम अश्रु बहाने आते हैं और कुछ नहीं। नाइदर मोर नॉर लेस, ध्यान देने मेरे बच्चे। और ये कुछ नहीं जानता सिवाय रो लेने के, सिवाय कुछ कर लेने का, और इसे कुछ नहीं पता। पर दो बेटे प्रसंग, तो दो दो आंसू बहा लेगा, अपने आप को रो लेगा बस। और अगर वो दिल से रोता है अना भगवान को हिला देने के, मेरे साथ शामिल है ना, मुझे श्रद्धा पर अमर फूल चढ़ानी है अमर वाटिका के, वो सिर्फ प्रेम अश्रु बहा देता है। प्रभु मैं क्या करूं, आप दयालु है कृपालु, अगर मैं अपने गुनाहों को पापों को देखता हूं अंति कोई नहीं, अगर आपकी दयालुओं को देखता हूं तो मेरे पैर धरती पे लगते ही नहीं है, मेरे पाप की चोटी पर है, आपकी दयालुता भी चोटी पर है। दोनों ही अपोजिट पोल इक्वल, पढ़े लिखे बच्चों, टू अपोजिट पोल इक्वल, बहुत ज्यादा अंधेरा भी अंधेरा और बहुत ज्यादा रोशनी भी अंधेरा है। बहुत ज्यादा रोशनी में भी आंखें चुंधियाती हैं, नजर नहीं आता, और बहुत ज्यादा अंधेरा तो वैसे ही अंधेरा है। तो इसलिए बोलते हैं टू अपोजिट पोल इक्वल, दो अपोजिट चीजें हो, चरम सीमा पर हो, उत्कृष्टता पर हो, तो दोनों बराबर मानी जाती है। क्लाइमेक्स को स्पर्श कर रही हो सजनों और देवियों, तो दोनों ही बराबर। तो आइएगा दुनिया में भी देखती है, जो बहुत दुराचारी है वो भी बड़े मशहूर होते हैं, और वो जो चोटी के भगवान के भक्त है वो भी बड़े मशहूर होते हैं। हाँ, एक को नोटोरियस कहेंगे, एक को फेमस कहेंगे, शब्दों में फर्क जरूर है। एक को नामी ग्रामी कहेंगे और एक को लोकप्रिय कहेंगे, शब्दों बड़ा अंतर है। एक को लोकप्रिय, एक को नामी ग्रामी, नामी ग्रामी इन बैड सेंस और लोकप्रियता इन गुड सेंस। सो आइएगा, दोनों बड़े मशहूर। जैसे कहावत भी है, अरे यार नाम ना हुआ तो क्या बदनाम ना होंगे। अखबारों में नाम तो दोनों के छपते हैं, उनका भी छपेगा, उनका भी छपेगा, जो लोकप्रिय है उनका भी छपेगा, और जो लोक निंदित है, लोक निंदित, उनके भी नाम मोटे मोटे छपते हैं, शाबाश। लेकिन हमें दोनों ही बराबर होती है संतानी रूप में, पर एक के अवस्था क्या, दूसरे की अवस्था क्या है। तो मैं जो बात करूं श्रद्धालु की, जो श्रद्धालु है जो सिर्फ निमाना बनना जानता है, बेटी जो बिल्कुल निमाना बनना जानता है, विनम्र बनना जानता है, आजीज बनना जानता है, ओ नीवा होके चल सोनिया, ओ नीवा नु रब मिलदा, नीवा होके चल कि नीवा नु रब मिलदा। भगवान करे ये गुण हमारे में कुट कुट के भर जाए, खासकर मेरी देवियों में। देवियों का तो भूषण ही लज्जा है। पापा पुरानी बातें होंगी, मैं तो आपको कह रहा हूँ मेरी बेटी, वो तो पुरानी बातें थी, देवियों का भूषण जो है लज्जा। और आज चलो मान हो, मैं कुछ नहीं बोलता इसके विषय में, लेकिन एक बात तो मन में रखनी पड़ेगी, क्या भगवान के लिए विनम्र होना पड़ेगा, बिल्कुल ह्यूमिलेटेड, मैं ह्यूमिलेशन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल विनम्र। अजय आजी की बात कर रहा हूँ, आजी आहा, जो आजीज हो गया मालिक के मार्ग में, सच्चाई की बात आपकी झोली में डाल रहा हूं, बड़ी जल्दी वो मालिक के दर्शनों के काबिल हो जाएगा, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, बड़ी जल्दी काबिल हो जाएगा जो आया है विनम्र होकर के, जो बिल्कुल विनम्र। चलो अनपढ़ हो, मेरे जैसे को देख के ना गलतफहमी करे, है ऐसों को भगवान मिलते होंगे। अरे अरे इन बातों को भगवान ने मुझसे प्रचार करवाना था, एक विभूति इसके अंदर डाल दी। जैसे हमने बड़ी ज्यादा रोशनी लेनी हो ना चौकीदारों से, उसमें चार सेल डाल मारते हैं,
चार सेल डाल देती है चूंकि बड़ी रोशनी नहीं होती है, और अगर अपने घर का टाइम देख रहा हूं तो उंगली जैसी भी निकली है टॉर्चे, बिल्कुल उंगली जैसी है, उसका सेल भी बिल्कुल लड़कियों की लेडी फिंगर होती है, उसका सेल जो होता है बिल्कुल लेडी फिंगर की तरह, आहा उसमें डाल दो, वो रात को टाइम ही देख रहे हैं, तो उससे तो चौकीदारी करनी है, उसे तो सर्च लाइट का काम लेना है, सर्च लाइट। तो चार पांच सेल डाले जाती है, शाबाश। तो कमान, तो मैं दर्श किया चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, तो जो मेरे भगवान के प्यारे बनना चाहती है, हाँ विनम्रता को अपने अंदर रख ले, तो मैंने हर रोज तुझे विनम्र हो जाना, संसार के प्यारों के सामने विनम्रता नहीं चाहिए, वो क्या गुस्ताख हो, आकर खा हो, और जरा आपकी डेट हो, जरा उनके कंधे कुंधे हिलते जुलते रहते हो, और जरा आंखें मटकाए उनकी तो संसार में दौड़ गलेगी, लेकिन परमात्मा के बारे में ऐसे खोटे सिक्को को नहीं लेता, जिनका आंगन फटकता हो और यूं यूं जबान से नहीं आंखों से बातें करते हो और मस्तक से बातें करते हो और ठोड़ी भी उनकी चलती हो, उनकी दाल भगवान तक नहीं गिरती, उनकी गलती है जो विनम्र है, आदिल है, और जिनके मन में सच्चा और सच्चा प्रेम है उनको श्रद्धालु कहती है, उनको पता लग गया है कि मेरे इष्ट देव के दरबार में विनम्रता चलती है, आहा वो आईजी चलती है, ये गुण आपने गीता में कहा रजुता, रिजु, रिजु शब्द कहा गया, बड़ा प्यारा शब्द संस्कृत का रिजु, रिजु जो अंदर बाहर से एक जैसी है, आहा इधर मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे, जितना जिस टहनी के फल में रस आता जाएगा, हाँ बाबा क्या कहना चाहते हो, कह दू टहनी की जो आम है, आम की टहनी, टहनी में आम लटक रहा है, जितना उसमें मेरी देवी भगवती फल आएगा, रस आएगा, उतनी वो टहनी झुकती जाएगी, उतनी और झुकेगी और झुकेगी और झुकेगी, जितनी टहनी झुकती जाए, समझे समझ लीजिएगा, हाँ उतना ही रस पकता जा रहा है। इस तरह आपकी कसम, आप मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं आपको प्यारा हूं जी नहीं, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं अपना कलेजा चीर के आपको राइट हैंड पे रख के दिखा सकता हूं, मैं आपको बड़ी कदर करता हूं, पर आपसे ज्यादा आप में छिपे हुए की कदर करता। तो नंबर टू आपका है, नंबर वन उनका है, क्षमा करना मैं सच्चाई की बात कह रही हूं बड़ी जनता में, तो मेरे मन में बड़ी आपके आदरमान है, तो क्या जितना हम विनम्र होते जाएंगे इस मार्ग में, हाँ उतना ही मन शांत होता जाएगा, उतना ही मन चुपचाप होता जाएगा, और भगवान को चुपचाप चाहिए, लापे हो खामची हलीमी ख्यालों में पाकीज़गी, एक एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं, भगवान करीब में ज्यादा से ज्यादा समझा के, जैसे मेरे मालिक ने मेरे कंधों पे जिम्मेवारी डाली है, मालिक के चरणों को जाके चूम लू, मैं आपको ज्यादा समझा दू, ज्यादा समझ, मुझे नहीं इससे दस आया दस बैठे, मैं जब आया था पांच छह पर दस हो गए, फिर पचास हो गए, साठ हो गए, अब हजारों में आ गए अभिषेक, मैं चाहता हूं समझा दू, गीता भी समझा डालू, जैसे मेरे प्रभु ने मेरे पे कृपा की है, और प्रभु से भी ज्यादा कहीं गुरुदेव जी ने रख के कृपा की, उन्हें मुझे भगवान के श्री चरणों के तलवों को चूमने का काबिल बना दिया, तो देखिएगा ऐसी विनम्रता बेटी, विनम्र, संसार में अकड़ पकड़ रहा है तो ठीक है, लीलाओं की दाल गलती नहीं है संसार के अंदर, लेकिन इस मार्ग में तो बस भगवान को बड़े प्यारे हैं जो विनम्र हो जाते हैं, उनको मेरे भगवान श्रद्धालु कहते हैं, ना उन्होंने देखा पर उनको मन इतना है कि बस गुरुदेव के शब्दों पर या अनुभवी महापुरुषों के शब्दों पर या सुर मुनि के शब्दों पर उनको विश्वास आ गया है कि इन्होंने तो आंखों देख, मैंने तो नहीं देखा पर इन्होंने तो देखे ना भगवान को, ये जो कुछ कह रही है बस सत्य है, हमें ऐरा गहरा पर विश्वास आ जाता है, ऐरा गहरा पर कथन न उनका आधार है न कि उनकी बात है, फिर भी विश्वास आ जाता है, हम विश्वास कर लेते इस पर तो क्या हम अपने मालिक पे विश्वास नहीं कर सकते, या मालिक से पहले जो पहुंचे हुए हैं आपकी नजरों में कौन पहुंचा हुआ, ये तो आपकी अपनी नजर है, जैसे मैं गुरुदेव जी को ना लिया करता हूं, हाँ अब इस तरह हम अपनी नजरों में रख ले, बस उनके अनुसार जुट पड़े, नॉट टू रिजर्व वाई बट टू डू एंड हाउ, जब वाई ना रहे मन में क्यों क्या कैसे वाई हाउ व्हाट, ये तीनों ही हमेशा के लिए उड़ जाए, वाई हाउ व्हाट क्यों क्या कैसे ये उड़ जाए, उसको अटूट श्रद्धा कहती है, जिसके मन में कोई संशय नहीं, जिसको हमारे हजूर कह रही है शकूक अपने कर दे जो सब तार ता है, बेटी शकूक शक से बना बहुवचन, हम अपने कहते संशय, और उधर भगवान ने भी कहा जिनके मन में संशय है, हाँ और मेरे प्यारे बनते हैं थप्पड़ मारो उनके मुंह के ऊपर, क्यों संशय आत्मा विनश्यति,
नींद के अंतःकरण में संशय है, उनका नाश ही नाश है। और इसके उल्ट का पॉजिटिवली कहा, क्या श्रद्धावान लगते क्या नहीं, जो श्रद्धालु है वो मुझे लाभ लेगा है। और जिनके मन में संशय है, हाँ वो क्या ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, वो दोनों जहानत से मारी जाती है, ये मारा जाता है जिनके मन में संशय। और यहां कोई पासपोर्ट देना पड़ता है यहां आने के लिए, या कोई वीजा बनाना पड़ता है, संशय से भरी पड़ी है दुनिया, नहीं आ सकती इधर, वो परपंची नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि में, उनके मन में, उनकी क्रियाओं में संशय ही संशय। आपका मन में श्रद्धा है, आपके मन में प्रेम है, नारियां वो भी है, नारी जहां भी आप आए हैं, क्या आप ही रहती है वापस सुनसान हुआ पड़ा, ना नरों की अपेक्षा नारियां ज्यादा है जहां से आप आई है। हाँ तो फिर वो नहीं आए, आप क्यों आई श्रद्धा, आप भी श्रद्धा है, आपकी श्रीमती नहीं आती, आपने पूरी कोशिश लगा ली, श्रीमान जी श्रद्धा से कुछ जान दे रहा, बच्चों की मां क्या लेना, आप दोस्ती पोते तू नहीं, क्या लेना है, क्या लेना है, तो वो रोटी किससे पकाएगी, अगर तू कल मर गई तो फिर कौन करेगी, फिर मैं वेखना मांगी ना, कर्म हो तो ये देखो जवाब फिर मैं वेखना ना, हालांकि आप कितनी कल तू मर गई तो ये बच्चे कौन खिलाएगा, ये कौन करेगा, फिर मैं वेख दौड़ा ना, कर्म लड़ा कर चोट लगनी चाहिए थी, बात तो ठीक है, कल मैं मरी तो फिर भी तो रोटी पकाएगी बहू, तो मैं अपना परलोक बनाऊं, लोक के लिए मैंने काफी मिट्टी पाली, काफी राख पाली, काफी कोले भी पाली और अंगारे भी काफी पाए हैं, तो आप जाके मैं अपना कल्याण करूं, अगर भाग अच्छे हो तो, अगर कर्म अच्छे हो तो बड़ी लगती है, लेकिन देख लो आपको आते हुए देख कर भी आपके माँ बाप को, आपके बहनों भाइयों को इसलिए ख्याल नहीं आता कि उनके संस्कार बार मुखी उनको बार धक्के देती है, आप भगवान की ओर लगे हुए है, बस संशय नहीं क्या पूरी श्रद्धा, कि जो भगवान जी गीता जी में कह रहे, बस मेरे जैसे मेरे गुरुदेव जी ने मेरे मन में बहुत गहरी ये बात उतार दी, कि जो हजूर ने कहा है इसमें लोक मनना है, इसमें परलोक मनना है, हम तो खैर लोक को नहीं देखते, हम तो परलोक को देख रहे हैं, कि महाराज जी के शब्दों से परलोक मनना है, हजारों का बन गया, आहा अब हमारी बारी आई है, क्योंकि गीता से बढ़ के कोई दुनिया में चोटी की फिलॉसफी ना थी ना होगी, ना भूतो ना भविष्य थी, बड़ा चोटी का फरमान है, इसी से हमारी बिगड़ी बन जाएगी, मन तो उसी दिन से जम जाता है, बिल्कुल जम जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है जिसको पूरी श्रद्धा हो जाए। हाँ बस फिर वो दिन दुगनी रात चुगनी तो की करते बढ़ निकलती है, खूब निकलते चालू, कितने तकलीफें आए मजा ले, उनके लब पे कुछ शिकवा हो गिला, मुसीबतें हैं कुछ परवाह नहीं है, उनका मैंने कागना हो नट्टी परवाह नहीं है, पर मैं ये ऐसी शब्द कह दिया, जिनको अटूट श्रद्धा है उनका मन तो उसी समय एकाग्र होने लग जाता है, चूंकि अटूट श्रद्धा के बाद अभिचल विश्वास के बाद तो मन कहीं जाता ही नहीं है, हमारा मन पूर्ण भगवान में क्यों नहीं लगता, क्योंकि भगवान पर पूरी श्रद्धा नहीं है, अगर श्रद्धा होती तो हमारा मन जाता क्यों, हमारा मन इस तरह उसका चिंतन जो करता, अगर शादी के बाद श्रीमान जी के साथ आपका मन पूरा लग गया है तो सगे माँ बाप भी दिन प्रतिदिन भूलने लग जाते हैं, अगर पूरा लग जाए तो मन का रिश्ता है ना, अगर पूरा लग जाए उधर तो उधर से भूलेगा, तभी तो आप ससुराल में रह सकती हैं, ससुराल में एक दिन ना रहा जाए अगर मन ना लगे उसके साथ, तो मन लग जाता है बस, या इसी तरह भगवान में जब मन लग जाता है संसार की जो चिंतन है छूट जाएगा, इसी तो भगवान ने पक्की बात कही है कि मैं अपने सीने से निकाल के आपको देता हूं, अपने सीने से, क्या जब भगवान ने पक्की बात कही है, मुझे दिल से अर्जुन क्यों नहीं बुलाता, हम बुला हमारी विस्मृति हो जाती है, हम भूल जाती है, पर वो क्यों उसको सुखाब के पर लग गई है, ए गिड्ढो उसको क्या हो गया पुत्र, वो कोड़ी भुलाती है और अब हम भूल जाती हैं, बड़े हैरान मेरे जैसा तो ऐसा जरा करता है जैसे वकील लड़ा करते हैं जज के सामने, अरे बच्चे हम तो बहुत ही करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, हाय वो भी इंसान, हम भी इंसान, वो भी दुनिया में, हम भी दुनिया में, वो भी इसी में रहती है खाते है, हम भी रहते हैं, उनका मन जम जाए हमारा कोई जमता, तो भगवान कहते अरे भाई मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, क्यों, क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता, मजा आ गया ना, और वो कोई लगाता तो कुछ भगवान में पूरा मन जमा हुआ है, पूरे का पूरा जमा हुआ है। आपसे मैंने पूछा था जब आप दो महीने बाद शादी के बाद तो मैं याद नहीं आई, आई फिर तू जल्दी क्यों नहीं आई, अम्मा माँ अब मैंने जिंदगी तो वहीं काटनी है ना, हाँ मैंने दो बार कहा भी था कि मुझे माँ के पास ले चलो, वो कहती थी अभी क्या है, अब तो 20-25 साल तो लगा के आई है, अब हमारे पास रहो, फिर माँ मैंने उनको टोका नहीं, आहा मैंने उनको रोका नहीं, शाबाश, क्योंकि मन इधर लगा हुआ है ससुराल में लगता जा रहा है,
जब एक हमारी अपनी खून की बेटी का मन उधर लग जाता है तो हमारा मन भी लग जाए, परमात्मा की तरफ पूरी श्रद्धा हो जाता कि मेरा श्रद्धा इसे कहते मेरा कल्याण भगवान के फरमान में है। इसी तो हम प्रेम के अश्रु बहाते हुए गुनगुनाया करते हैं सवेरे के सत्संग में, शाम गीता है ईमान मेरा शाम मेरी जिंदगी, गीता है ईमान मेरा शाम मेरी जिंदगी, गीता ही मेरा धर्म है और शाम मेरा जो है दृष्टिकोण है, गीता है ईमान मेरा हमारा ईमान क्या गीता जी अटूट श्रद्धा, हम चारों ओर से श्रद्धा हटा ले। स्वामी जी ने मुझे कहा था हटाओ बाप से जो आज्ञा, हटाओ मां से सुनो मेरे गुरुदेव की शब्द जो आज्ञा, और कहा मन है जब मना हटा ले जो आज्ञा, हटाओ अपने शरीर से जो आज्ञा, जवाब पेश दिन में महाराज इस दिन में जमता आप में जमेगा, चल मेरे में जमा है श्री शुरू में गुरुदेव में बहुत जमता है हजूर आप में जमेगा जमा दे, चारों ओर से हटा के स्वामी में हम गुरु में जमाते हैं, फिर गुरु की अपार कृपा गुरु पहुंचा हुआ हो तो फिर महाराज की कृपा करती है कि तूने मेरे में जमा लिया हमारा जाप में जम गया, तो जरा डीप समाधि में जा ये ले हजूर कर, अगर गुरु में भी जम जाए तो एकाग्रता आ गई, एकाग्रता के बाद तो फिर निराकार ज्योति निकल, ये है गुरुओं के भी गुरु जगत गुरु, फिर जीव एकाग्रत हो गया फिर आगे फिर और तलीन होता है और मस्त होता है अलमस्त हो जाता है, शाबाश श्रद्धा हो जाए अपने भगवान में कि बस मेरा कल्याण और जो मैं ढूंढ रहा था जन्मों से वो शांति मुझे हजूर से मिली है, जो मैं जन्मों से ढूंढ रही थी इससे उसमें कुछ नहीं मिला, बल्कि जो भी मेरी थोड़ी बहुत पले थी वो भी मैं गवा बैठी हूं, बिल्कुल मेरे पास श्रीमान जी गए थे सूद कमाने जो असल था वो भी गवा के आ गए, आए ओ आया हारियो जो हारी क्या बना वो मैं असल भी हार गया, सूद लेने गए थे यानी बढ़ोतरी करने गए थे घटोती करके आ गए, तो हमारा हाल नहीं रहा संसार पर श्रद्धा करने से संसार के प्राणी पदार्थों को अपना बनाने से, जो पले कोई सुख था वो भी नहीं रहा, दुख ही दुख शारीरिक दुख मानसिक दुख पारिवारिक दुख, दुखों में मुबतला हो गए, तीन तापों में जलने लग गए आदि व्याधि उपाधि, अब बगैर कहते ये मुझे बड़े प्यारे हैं, हाँ इनकी इतनी साधना भी नहीं इतने गुण भी नहीं अपनाए हुए, फिर भगवान को प्यारे सिर्फ एक गुण के कारण से, सिर्फ एक गुण के कारण से, कौन सा गुण देखो भगवान की कृपा देखो यही से अंदाजा लगा लो, मेरी भगवती भगवान की दया देखो इसी से अंदाजा लगा लो कि महाराज ये एक गुण में रीत गए हैं क्या कि जिसमें अटूट श्रद्धा है मेरे प्रति, भगवान कहते बस भगवान को रिझाने के लिए मेरे सजनों और मेरी अच्छी देवियों इतना गुण नहीं, एनफ मोर देन एनफ सफिशियंट, एक ही गुण काफी है महाराज जी को रिझाने के लिए उन्हें अपना बनाने के लिए एक ही गुण सफिशियंट, संसारी आदमियों को भी बाहरी रूप में नखरे टखरे कोई पसंद आ जाए सही तो शादी हो जाती है, मेरे सामने तो एक ही घटना आती है वो शाहजहां और शाह अपने जहांगीर और नूरजहां की, जहांगीर और नूरजहां शुरू शुरू में नूरजहां को पत्नी थोड़ी थी उसकी नाम से कुछ और था, तो वो तो एक काफला आ रहा था और काफला ये शाही दरबार में रुकना था, काफला बड़ी दूर से लंबी चौड़ी कहानी है, तो उनको पता लगा तो उन्होंने अपने रॉयल गेस्ट हाउस में शाही अतिथि आलय में ठहरा दिया, और उसके बाद राजा आता है राजा हरेक का परिचय लेता है, आप कहां से आए आप कहां से आए आप कहां से आए आप कहां से आए, मैं वासी आई मैं वासी आया, ये तजारत जो तजारत करने आती थी ना तो आप वो चलती थी तो अपने साथ बहू भी लाते बेटी भी लाते, तब मैं तुम्हें घुमा फिरा लाऊंगा, बीच में मन आपका उगता जाता है ना मैं हमें भी तो ले चलो कहीं बोर हो गए बोर, वेरी गुड, तो वो लड़की भी साथ चली हुई थी, हाँ तो रास्ते में आ रही है जा रही है शाबाश शाबाश शाबाश, तो बड़ा पूछा ओह बस पूरब के संस्कार जागे और जरा आंख मिली तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन जरा गरीब गरीब तो महाराजा थे जहांगीर तो सोए हिंदुस्तान का बादशाह है, तुम बहुत अच्छी हाँ तो तुम हमारे लिए कुछ चुने कुछ विशेष औरतें और कुछ भाई चुने तुम्हारे लिए जो हमारा अपना अतिथि आलय है आप उसमें चलो, तो उसमें उनको रहा दिया, उसके रहने के बाद फिर मिले मिले लग गए और उन्होंने कहा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मुझे कबूतर अच्छी लगती है, ये बोल रही है सिर सड़ी नूरजहां क्षमा करना पहला नाम मैं भूल गया हूं, तो मुझे तो कबूतर अच्छे लगते तुम ठीक है सफेद कबूतर बड़े सुंदर मंगवाए गए और उसको दिए गए, और दो कबूतर तो बादशाह को खुद बड़े अच्छे लगते थे, इन दो कबूतरों का खास ख्याल रखना और बाकी तो खेलती रहो तुम खेलती रहे ठीक है बड़ा चला, एक दिन वो आए तुमने कहा एक कबूतर दूसरा टांग गया आलीजा उड़ गया, ध्यान देने वाली बात इसी के बाद पत्नी बन जाएगी,
संसारी आदमी की क्या विलक्षणता होती है। अरे दूसरा रंग मेरा कबूतर कहां गया, उड़ गया। अरे कैसे? ए, ऐसे वो दूसरा उड़ा दिया। जब वो पूछ रहा है कैसे, तो प्रैक्टिकल कैसे दे, बोला पड़ा देखो भाई ये कैसे उड़ गया ना, ये ऐसे उड़ गया। बस कामी आदमी के मन में कोई ना कोई बात बैठ जानी चाहिए। आहा, इस बारी ऋषि वालों को बस का बात बैठ गई, बस ठीक है शादी। बाद में फिर शादी के लिए प्रस्ताव रखा, तो जो उनके रिश्तेदार थे कहते हम क्या चाहते हैं, अगर वक्त का बादशाह हमारी बहन को या बेटी को बनाना चाहता तो ठीक है मंजूर है शादी कर लो। इधर इधर भगवान के सामने, अब ये तो हुआ ना एक संसारी नारी और संसारी नर कोई बात बनी और शादी हुई, और इधर एक क्या नर और नारायण हाय हाय, उधर दुनिया का बादशाह इधर त्रिलोकी का बादशाह। त्रिलोकी के बादशाह क्या चीज भा जाती है, कुछ नहीं भाता, ना उन्हें सुंदरता भाती है, ना उन्हें कबूतर भाती है बुद्धू गाय के कबूतर, और ना उन्हें ये भाता है ना वो भाता है, ना पोशाके भाती है ना नखरे भाती है, भगवान को तो एक भाती है कौन, सच्चे दिल से मन को मेरी ओर झुकाए मांगे की गोद मेरी ओर झुका किसने दिया अपने मन को, मालिक को तो ये अच्छा लगता है। अगर चाहे जगह जगह गीता जी ने इशारे किए हुए, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल, बार बार ही हमारी हजूर कह रही है बार बार, तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तू मार जा के दामन में मेरी पनाह। और अर्जुन जो अवश्य के लिए भगवान का बना तो यही कह के ना दाता मेरी तो अकल मारी गई, मुझे नहीं समझ आती तबीयत का कमजोर दिल नर्मा है। चलिए सातवें श्लोक में दूसरा अध्याय, तबीयत का कमजोर दिल नर्मा ये उलझन आप क्या, मेरा धर्म है मैं अकेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो नेक रस्ता शिष्यत्यहं शाधीमान त्वां प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न मैं आपके शरण में आया हूं मेरी रक्षा करो। प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। भगवान ने अपना लिया हाथ पकड़ लिया, शाबाश तुम्हारा जी को फिर आपका मन अपिष्ट किया चाहता हूं, एक ही गुण चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा के मेरे पास श्रद्धा चाहिए, बस 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 टटोलो मैं भी टटोलू आप टोले कि मुझे भगवान के प्रति श्रद्धा तो नहीं। आपको अच्छा लगता है आपकी शादी हो जाए और श्रीमती आपकी और भी कहीं श्रद्धा करे, हाँ अपा मेरी हो तुम बाबा मैं सुनना भी नहीं चाहता, बिल्कुल ठीक। आपको अच्छा लगता है आपके शादी करने के बाद आपके श्रीमान कहीं और श्रद्धा करे, हाँ मैं तो एक दिन भी उसके घर में ना रहूं, मैं तो कभी भी ना रहूं, मैं उसकी तरहारा भी ना चाहूं कभी भी, शाबाश जरा नहीं बर्दाश्त होता। हाँ तो क्या वो त्रिलोकी नाथ बर्दाश्त कर लेगा कि भगवान के साथ श्रद्धा करने के बाद भी कहीं और श्रद्धा करे, तो ये तो फिर क्या प्रेम को पलित करने वाली बात होगी ना, प्रेम को अपवित्र करना हुआ, प्रेम को अपवित्र ऐसा तो नहीं अच्छा होता। हाँ तो भगवान तब भी जैसे संसारी प्रेमी भी हम देखते हैं एक बन गए तो बन गए, इस तरह भगवान भी एक ही गुण चाहती है ना। और चलो नामे अध्याय निकालो भाई श्लोक, एक भगवान ने कहा ना जो करती है खालिस इबादत मेरी, मैं भी टटोलू परमात्मा की कसम गीता को छाती पे रख के सच्चाई के साथ मैं भी देखूं, और आप भी गीता जी को अपने सिर आंखों पे रख के सच्चाई से देखिएगा कि क्या मैंने पूरा अपने अपने मालिक के तरफ झुके हुए, अगर नहीं झुके इतनी देर लगती जाएगी एकाग्रता में, इतनी देर लगती जाएगी प्रभु के दर्शनों में। सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं बच्चे, जैसा जैसा जो जो गुरुदेव ने हमें अनुभव करवाया, आपकी कसम भारत की कसम भगवान की कसम, हम साधारण शब्दों का प्रयोग करके उसे प्रकट करते चले जा रहे हैं, हमें जैसा जैसा मालिक ने कृपा की और प्रकट हुआ और समझाई जा रहे हैं आपको सबको, कितना सुंदर हजूर कह रहे हैं जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जीने न रखे दुई, ये होती है श्रद्धा। श्रद्धा का प्रतिक्रिया ही होती है मेरी अच्छी बेटी, श्रद्धा की प्रतिक्रिया यानी श्रद्धा का यानी फेथ का रिएक्शन, ये भगवान ने कितना अच्छा खींचा। अनन्य चिंत्यंता माम ये जना परि उपास्ते ये जना कौन, अनन्य कौन है जो अटूट है, जो श्रद्धालु है, जो बहुत ही शानदार है। वृंदावन की एक बड़ी अच्छी घटना मुझे असहाया करती है जो मेरे बाप ने मुझे बताई, एक वहां पर अनन्य भगत पहुंच गए, अनन्य जो भगवान के सिवा किसी को नहीं चाहते थे, भगवान के सिवा किसी को तरफ मान नहीं लगा होता, और यथार्थ रूप में ऐसा ही था, गपशप नहीं थी, यथार्थता थी, हकीकत था जो उनका मन हजूर को छोड़कर कहीं भी नहीं लगा हुआ था। गुड तो आइएगा, तो उनके काफी अनुयायी थे तो वो कीर्तन करते हुए निकल रहे थे वृंदावन की तंग गलियों में से, कीर्तन करते हुए जा रहे थे, आगे से भी
हाँ एक और भगवान के ब्रजोटी के भगत कहलाते थे, वो भी 10-20 अपने अनुयायी के शिष्य लिए हुए, वो वृंदावन में मत्था टेकने आ रहे थे। ये टेक के वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, बड़ा मशहूर है वृंदावन की परिक्रमा करना, जैसे आप महाराज जी की परिक्रमा करते हैं, हजूर के श्री विग्रह की आप परिक्रमा करते बैठे, श्री विग्रह की आप परिक्रमा करते हैं, वो सारे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, ये करने जा रहे थे, वो करके आ रहे थे। तो रास्ते मिलाप हुआ दोनों का, नो नारायण नो नारायण। तो और नए आने वाले पूछा, आप? मैं भगवान का अनन्य भगत। अरे अनन्य क्या होता, जो न इंद्र को चाहे, न पवन को चाहे, न देवियों को चाहे, न किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को चाहे, कई नाम गिना दिया, मैं अनन्य हूँ। अच्छा बहुत अच्छे, अब आपका आपका परिचय, मैं अनन्य हूँ। हालांकि ये कोई शब्द नहीं है, ये कोई शब्द कोश में अभी तक ये शब्द नहीं लिया गया, मैं फनन्य हूँ। वृंदावन बड़ी प्रसिद्ध घटना ये, मैं फनन्य है, आज तक नहीं पढ़ा हमने तो गुरुदेव के पास रह करके इतने शास्त्र पढ़े और फनन्य शब्द कहां से आ गया, ये क्या? तो आप ही बताइए, मैंने जैसे बताया कि अनन्य क्या होता था, आप क्या? फनन्य यह होता उस छोटी भी पकड़, खड़ी के पुत्र है वो उम्र बड़े होंगे, और बेटे फनन्य वो होता है जो किसी देवी देवता का नाम तक भी ना जाने, मुझे किसी सौर का पता ही कोई नहीं, तो देवी देवता है वो पूरी तरह गिना डाले, धड़ाम से चरणों में गिर गया, महाराज 100 कदम आप मेरे से आगे निकल गए, और मुझे नाम तो पता है और तो आपको तो नाम ही वो नहीं पता, उसको फनन्य कहते हैं। कहीं मुझे तो एक का पता है बस, जैसे सुन मेरी सरकार, मीरा जी पहुंची वृंदावन के अंदर, सुबह पता लगा कि चोटी के जो सन्यासी है वो फला है, तो दिल में आया कि मैं महाराज जी के मंदिर से लेकर उन तक हरि का कीर्तन करती चलूंगी, लेकिन किसी को बताया नहीं। वहां पहुंची तो पहुंच शिष्य मार थी, देखा है ये वही वैरागन है, उन दिन उनको वैरागन बोलते थे, मतवाली कहते थे, मतवाली दिखाते हुए गुरुदेव चरणों को, तू क्या चरणों को छुड़ी जी भगवती, मैं तेरे चरणों को छुड़ता, मेरी अवस्था तेरे से भी ज्यादा है, तू क्या छुएगी, मैं तेरे चरणों को छुड़ता, मुझे ये तो नजर आया कि ये नर है ये नारी है, मुझे ये तो पता है, और तू मेरे से भी बहुत आगे है, जो ये कहती है कि मैं तो समझती हूँ कि गिरधर गोपाल की सारी माया है और गिरधर गोपाल ही फैले हुए हैं, सुनर्जन नहीं को दी मेरी, क्यों मैं तो ये समझती है, तू ये समझती है सिवाय में कुछ है ही नहीं, और मैं तो डिस्टिंग्विश करता हूँ, मुझे तो भेद लगता है, तू मुझे गुरु समझती है, मैं कोई गुरु, तू मेरे से बहुत आगे है, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू अनेकों के गुरु बन के भगवान के दर्शन करवाए, करेगी नहीं बल्कि करवाएगी, मजा के इनको कहते वो की श्रद्धा चोटी में पहुंच गई, तो मैं तो समझती थी गुरुधर गोपाल के अतिरिक्त वृंदावन में कोई रहता ही नहीं, तो मुझे वो नारी के लिए शब्द हम उन्हीं की, वो फिर उठा उन्होंने भगवती मुझे आपके ये फिर हम कौन है, हम चिंगारियां हैं, ना नर है ना नारियां बल्कि चिंगारियां हैं, ना भूल बेटी हम तो गिरधर गोपाल की भक्ति और श्रद्धा की चिंगारियां, और क्या चिंगारियां अग्नि से नहीं उठी, और अग्नि में उठ के अग्नि में नहीं गिरती, बड़ा गजब का दृष्टांत है ये, हम क्या है, हम तो चिंगारियां हैं, जैसे बहुत आग जलाइए और आग प्रदीप्त हो जाए, हाँ छोला भर के आकाश की ओर जाए तो जो बीच में सुखलुंग, हिंदी बोलते सुखलिंग, अपनी चिंगारियां जो बीच में निकलती है, हाँ इसी को हम तो वही है, वो सारा व्याप्ति नूर में से ये नाना प्रकार की चिंगारियां निकली है, अति सुंदर अति सुंदर, ये है श्रद्धालुओं के उद्गार, ये है जो पहुंच गया रब तक उनकी श्रद्धा, अपनी भी श्रद्धा देख लो और उनकी भी श्रद्धा देख लो कहां जा रही है, आकाश को फाड़ कर नारायण के चरणों तक पहुंच रही है, तो आप ही कहे प्रभु हम और कोई है, श्रद्धा श्रद्धा के बाद क्या होता है, मन नहीं कहीं लगता, इतनी श्रद्धा हो जाती है कि हजूर में लग जाती है, कहीं मन जमता ही नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश, कहीं मन जुटता ही नहीं, शाबाश शाबाश, बिल्वा मंगल इतने क्या गंदे संस्कार किसी के आ जाते हैं, किसी जन्म के क्या इतने भगवान के प्यारे माँ बाप के अच्छे दुलारे भगत, हाँ पता नहीं क्या गंदी सोबत पड़ गई तो वैश्य के पास जाने लग गए,
और ये भी नहीं कि एक दिन रह जाए क्षमा करना मेरी बेटी, रोज जाते रोज हाजी दे जाते रोज मिट्टी पाते अपने सिर के अंदर। हाँ बाप का शराब था, बड़े शौक से शराब किया और आज आज वो गैर हाजिर हो गई वहां से, क्या आज उसके बाप का शराब है छोड़ पड़े तो चली गई। हाँ अब ये शराब जल्दी जल्दी भुगताने के बाद भागा और पूछा वो कहां गई, वो मेरी सहेली कहां गई, तो वो कहां गई तो उन्होंने फला जगह उनको ढूंढ बांध के ले आया। अब वो घर में आई तो बाल लिए खोल तो दोनों हाथ से छिटने लगे, हाय विलोमंगल ब्राह्मण थे आप ब्राह्मण हैं हाँ, और आज आपके बाप का श्राप था हाँ, और आज भी आप मेरे पास मिट्टी पानी आए हैं बाप की श्राप के टाइम, जब से आपने बाप की श्राप को आह्वान किया है, आह्वान होता बुलाना, उनके सूक्ष्म शरीर को आपने बुलाया और बुला करके मंत्र पढ़ाए हैं हाँ, और उसको दक्षिणा दिलाई है हाँ, और मिष्टान्न मिठान वो उनका अर्पण किया है हाँ, और फिर भी आप मेरे पास आए हैं तो क्या आपका बाप आपके साथ नहीं आया होगा, और मुझे क्या जाने का ये कौन है इसकी, ना मैं तेरी माँ ना तेरी बहन ना तेरी पत्नी, अरे मैं कौन, तो जो कुछ तू करके सब खू खाते शर्मी मंगल, बस इतना ही काफी था विलवा मंगल तेरी बेटी इतना काफी। जो फिर विलवा मंगल तराना गाता है उसके बाद कहती है उसने अपनी आंखें फोड़ ली थी, सलाखें गर्म की आंखों में डाली, कहता उसको सूरदास कहते हैं, लेकिन सूरदास तो वैसे नाम से सूरदास जन्म से अंधे थे, मैं बता दूं आपको सूरदास जी जो यथार्थ सूरदास जी वो जन्म से अंधे हैं, बिलवा मंगल बाद में सलाखें आंखों में डाल के डाला, बिलवा मंगल और है सूरदास और है, ये बिलवा मंगल जी थे जिन्होंने आंखों में गर्म सलाखें डाली अंधे हो गए। चल पड़े महाराज की ओर, ये इनका तराना है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु पग पग ठोकर खाऊ में, बार बार आगे पहुंचे नजदीक तो वृक्ष के साथ चोट लगी और ये फूट गया ये मस्तक, फिर आगे चोट लगी फिर फूट गया, भगवान से नहीं रह गया, उन्हें लाठी पकड़ ली, अरे पकड़ की उसके बाद फिर कहां जाना चाहते हो, वृंदावन गैया चरा रहा हूं, हाँ महाराज अब हर जगह चराते हैं, पकड़ लिया मैं आपकी लाठी पकड़ता हूं आपके रास्ते, देखो कितना आपका खून आ रहा है, यहां भी फूट गया भगवती और मेरे बच्चे इधर ही फूट गया और बड़ा खोल गया, मानो अगर टांके लगे तो आठ हाथ टांके लगे यहां, और खून जा रहा है जारी है, पर वो रोते हुए गुनगुनाते जा रहे हैं जा रहे, और सनसनी सी फैल गई आपके भीतर में कि ये क्या कौन ही गई, हालांकि बाल गोपाल थी, तो जब धीरे धीरे करके हाथ सरकाया लाठी तो पकड़ी आगे जा रहे, हालांकि आगे की आगे के हाथ अब हाथ तो पकड़ लिया, बाबा बाबा आप मुझे पकड़ क्यों है, आप कौन है आप मुझे बताओ आप कौन है आप कौन है, आप मेरी भूली तो नहीं जिनके मिलने जा रहा हूं, नहीं मैं तो अपनी गैया लाया हूं और गैया चला रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता ऐसा हो नहीं सकता, जोर का झटका मारा बालक ने और छुड़ा के चला गया। उसके बाद विलवा मंगल बोलता है अपने प्रेम और श्रद्धा भर करके, बात छुड़ाए जात हो इनके जान के मोही, अरे मैं निर्बल हूं इसलिए ना बात छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे हाँ मर्द समझोगी तो मैं तो तब आपको मर्द समझूंगा इतना दलेर समझूंगा जब मेरे हृदय संकल के दिखाना, बस ये कहने की देर थी भगवान आगे प्रकट हो गए। बोले मंगल हजूर देखना चाहता है जरूर, उस वक्त मेरे महाराज जी ने दिव्य ज्योति दी अपने बिलो मंगल को और बाल रूप में बिलो मंगल ने देखा, और पहले स्वर भगवान के बताऊ क्या थे, मैं तो रिसर्च करने वाला पुत्र मैं तो इन्हीं दिन रात इन्हीं में लगा हुआ, बता तू पहले स्वर भगवान के था, मैं बहुत संतुष्ट हुआ मैं बहुत गदगद हुआ तेरी श्रद्धा को देखकर, इतनी चोटें खा रहा है इतना बुरा हाल है और फिर भी तू इतनी प्रेम करता है प्राणनाथ, ये भी आप ये श्रद्धा जो आप देखो मंगल का ये श्रद्धा ये आपको बुलाने वाला प्रेम ये भी तो आप ही ने बख्शा है, मैं तो वही गंदा था उसके पास ऋषि के पास जाने वाला और मेरी उस किसी भी कुकर्म को नहीं देखा, मेरी नीचता को नहीं देखा, मेरे कुकर्मों को नहीं देखा और ये श्रद्धा अलौकिक प्रेम और ऐसा प्रेम दिया जिसमें आप ही खिंच गए, बहुत अच्छे ऐसा प्रेम दिया जिसमें आप ही खिंच गए। एक बात बताऊ अम्मा ए माँ ए बेटी हाँ आप आपका बच्चा है सुंदर है आप जाति बनाती हो हाँ और सबसे जो आप ये कारक लगाती हो ना कसम आपकी मेरी बात पर यकीन रखना आपने सुंदर बनाया आपको अच्छा लगा हाँ सबसे पहली नजर आपकी उसमें लगती है, आप कहते हैं किसी और की नजर लग जाए नहीं मेरी बेटी तेरी लगती तू कह रही है मेरा इतना सुंदर बच्चा
हालांकि किसी और की नजर नहीं लग सकती, आपकी की नजर लग रही है। इतना सुंदर लाल मुझे भगवान ने दिया है सजाने के बाद, खुद सजाया और खुद ही या चुम जूठा कर दीजिए बेशरम, उसे थोड़ी देर तो जूठा ना करो। इतना सजा के मिला के धुला के और नाना प्रकार की मेकअप करके फिर चुनती जा रही है, ऊपर भी नीचे भी इधर भी उधर भी, क्या करूँ आप? अच्छा थोड़ा होता है, यही अच्छा होता, एक बार उनको खराब करती जा रही है। लेकिन पहली नजर आपकी लगी ना, खुद सजाने के बाद माँ लट्टू हो गई। आपकी कसम, भगवान मेरे खुश हो या नाराज हो मुझे नहीं पता, खुद ही जीव को विशेष श्रद्धा और प्रेम देने के बाद उस पर लट्टू हो जाती है। या फिर माँ अपने पुत्र को सजाने के बाद उस पर लट्टू हो जाती है, इस तरह मेरे प्राणनाथ मेरे इष्टदेव खुद ही जीव को श्रद्धा देती है, चोटी की श्रद्धा चोटी का मीठा प्रेम देती है और रिश्ते भी आप पर खींचे भी आप आती है, आप ही खींची आती है। क्या कमाल, क्या कमाल, क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं मेरे पुत्र, भगवान ने मुझे छेड़ दिया है कि श्रद्धा पे बोलो। क्यों भगवान इनको प्यार करते हैं, क्योंकि इनमें एक ही गुण काफी है, एक ही श्रद्धा इतना है कि भगवान बाकी गुण भी माफ कर दिए। जो बाकी गुण 13वें अध्याय से 19वें श्लोक तक मानो 33 गुण जो भगवान ने गिनाए हैं वो एक तरफ, और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा एक तरफ, गजब गजब गजब, कमाल कमाल, बल्कि श्रद्धा तो उससे भी नंबर ले जाती है, बड़ी भारी श्रद्धा, बहुत ही भारी श्रद्धा, बड़ी भारी श्रद्धा। आहा, सत्यभामा और रुक्मणी, हाँ दोनों महाराज जी की पटरानी कहलाती है, कोई शक नहीं इसमें, दोनों पटरानी है, लेकिन सत्यभामा ना रुक्मणी से कुछ क्या, रुक्मणी के सत्यभामा सरती कौन थी? सत्यभामा, सत्यभामा कुछ सरती रहती थी रुक्मणी के प्रेम को देखकर या रुक्मणी के भगवान के झुकाव को देखकर सरती रहती थी। तो एक दिन रुक्मणी का जो जन्म दिवस आया तो उन्होंने महाराज जी को अपने महल में बुला लिया कि महाराज आज तो हमारे महल में सत्यभामा सरी के नहीं, आप उनके महल में नहीं जाएंगे, सबसे पहले मेरे महल में आएंगे और वहां पर मेरे पास दासियां गोलियों से आप तो कुछ रहेंगे और वो बना रही है कुछ ही तो वो आप खाएंगे। नहीं सत्यभामा, हट न करो, आज रुक्मिणी ने मुझे बुलाया है और मुझे जाना भी वही चाहिए, मेरा कर्तव्य भी ये कहता, ऐसी बात नहीं महाराज जी, क्या हमारा प्रेम कम है? मैं ये नहीं कहता प्रेम कम है, या प्रेम की बात नहीं है, या कर्तव्य का विषय है, या प्रेम का प्रश्न नहीं, या कर्तव्य का विषय है, कर्तव्य मुझे मजबूर करता है कि मैं आज रुक्मिणी के महल में चलूं, और तुम प्रेम प्रेम की बात नहीं है, लेकिन हमारा प्रेम बस मिट्टी में गया। बस जब भगवान असमंजस में होती है, प्रेरणा दी और बीना बजाते हुए नारद जी प्रकट हो गए, आकाश मार्ग से नारद जी आ गए, ये क्या प्रभु, ये आज क्या विलक्षण बात, देखता हूं कि आप कुछ हैरान खड़े हैं, क्या कहूं नारद जी, सत्यभामा कहे मेरे महल आओ, रुक्मिणी कहे मेरे महल आओ, बहुत हैरान हूं। तो प्रभु हैरानगी की बात की कुछ भी नहीं है, मैं हल कर देता हूं, क्या जिसका निमंत्रण आया पहले, हाँ प्रभु जाए उसके महल, लो एक मिनट में, जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके महल, उसके महल में भगवान जाए जिसका निमंत्रण आया पहले, नारायण नारायण रुक्मिणी का पहले आया था, तो भगवान तो चल पड़े, भगवान चल पड़े, सत्य भाव मुंह देखती रह जी, आप देखती रहेगी तो उसने कहा ये आपने शरारत की सारी, ये आप भी जब मैं नहीं करता, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात है, हाँ ये क्या बात, तो मेरे योग्य है से क्यों बैठी हो खोई खोई, आप इतनी हैरान क्यों होती है, मेरे योग्य सेवा कोई, ये नारद जी आप सत्य भाव पर आ गए, लेने याद करना, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई, और जवाब क्या मिलता है, हाँ भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने, मैं पुराने जख्मों से मर रही हूँ, फिर आग लगाने आ गए हो, फिर मुझे सामने आ गए हो, भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने, ओ आग लगाने, आग की बात नहीं, तुम जानो मैं सबका सेवक हूं, तुम ये जानते हो मैं चारों ओर घूमता हूं, आहा इतबार ना हो आजमा के देख लो, मैं सबका सेवक तुम जानो, तुम जानते हो सबका सेवक हूं, तो फिर कोई ऐसा उपाय बताओ, हाँ कि वो सौकन के घर ना जाए, तो सत्यभामा तुम दान करोगी, हाँ अपने पति का दान करोगी, हाँ अपने पति का जिनके लिए मैं दिन रात मरती रहती हूं उनका दान करूंगी, अरे कैसा मरना कैसा जीना, आहा ऐसी तो बात ही नहीं है,
महाजी के बराबर तोल के सोना ब्राह्मण को दे देना और कहन को वापस ले लेना, इतना जो है ना, जब तुम कहन को भगवान जी को उसके बराबर सोना तोड़ के ब्राह्मण को दे दोगे, कहना वापस आ जाएगा, उसके बाद ऐसा पलटेगा कि वो हमेशा आपके पास ही रहेंगे। है ये बात, अगर ये बात है तो फिर नारद जी आप करें यज्ञ की तैयारी और सत्य भामा से रुक्मणी हारी, फिर तो उसकी हार ही हार है। हाँ तो तू मेरी बात तो बता, नारद जी को भूले भूल भरिए में डाल गए, इतनी बात तो बता, तेरे पास है सोना इतना है तेरे पास जितना के कहन भारी है, तेरे पास से सोना इतना है के कहना पर तोल ले। ओ मेरे पास नारद जी आप नहीं जानते, सोने के भंडार जो खोलू एक नहीं सौ किसन में तोलू, दिए एक नहीं सौ किसन, अगर सोने के भंडार जो खोलू एक नहीं सौ किसन में तोलू। नारायण 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 नारायण, हुआ सोने का भंडार खोल गए और खोलने के बाद तकरी भी द्राजू भी लगा दिया गया, हाँ महाराज जी को बुला लिया गया, पंडित जी को बुला लिया गया, हाँ और महाराज जी को बिठा दिया गया, हाँ सारा सोने का भंडार लगा दिया, तासे मसलू हुआ, जरा भर नहीं हिला। उसके बाद सत्य भावा हैरान, किसी का मेरे कान को इतने भारी नहीं है, हिजरे परमात्मा ये आदमी क्या देख रही हूं, राम दुहाई काना तो इतने भारी नहीं है, ये आज क्या है। उसके बाद नारद ने कहा मैं क्या कहूं, अब उन्होंने कहा अब नहीं बराबर सका तो कहन मेरे हो गए, ब्राह्मण ने कहा कहन मेरे हो गए और अब मैं सरे बाजार में बेचूंगा, सरे बाजार में, आहा आवो आवो रे सुनने वालों, हाँ ये सस्ता मार उठा लो, आवो आवो रे सुनने वालों ये सस्ता माल उठा लो, ये बड़ा सस्ता, ये कन्हैया ये वाक्य बिहारी ये सस्ता माल है उठा लो। अब वो पैरों में पड़ गई, महाराज मुझे शर्मिंदा न करो, मेरे कानों को आप यू क्या लेलाम करोगे, हाय क्यों मुझे बदनाम करोगे, काना को गर यू लेलाम करोगे सरे बाजार में बदनाम करोगे तो फिर अब मैं बताओ मैं क्या करूं, बता 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 बता, उसका कोई क्या करे, अब तेरे घर को भी क्या करे जो अपने घर को आग आग लगाए, उसको कौन भला कहेगा, तो मैं क्या करूं भाई, इतनी बात है देख सत्य भामा, हाँ रुक्मणी के अलौकिक एवं दिव्य प्रेम के सामने तेरा ये सारा सोना नगण्य, अगर शुद्ध और पवित्र प्रेम आप कहना के पति करके अहंकार को छोड़ दे कि मेरे पास इतना है, तो बस सदा के लिए प्रभु तेरे पास है, मुझे हमेशा याद रहेंगे कि सारी खुदाई एक तरफ और शुद्ध प्रेम सुबकत ले जाता है, शुद्ध प्रेम बढ़ जाता है निकल जाता है कहीं का कहीं, इसी को श्रद्धा कहती है सजनों, और मेरी गीता अनुयायी मेरी बेटियों इसी को कहते हैं श्रद्धा, जब मन लगा और कहीं ना लगे, मन भगवान में लग गया और कहीं भागे नहीं जाए नहीं, उसमें सदा के लिए जम जाए। फिर मैं कहा चाहता हूं आप अपने आप को और आप सबको जो करती है खालिस, हजूर कह रही है हमारे इश्वर कह रही है देवी, जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में ना रखे दुई, बस उनकी श्रद्धा के तो थोड़े से बोल थोड़े से भावी भगवान को खींच लाते हैं, थोड़ा सा हो श्रद्धा, और श्रद्धा कैसी गलतफहमी न करना, जो इतनी श्रद्धा हो कि फिर मन कहीं ना जाए, आहा मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, क्यों नहीं बुलाता, चुके किसी गैर से दिल लगा, इतनी श्रद्धा बढ़ गई है कि अब उसका मन कहीं जाता ही नहीं है, उसका मन कहीं लगता ही नहीं है, इतनी श्रद्धा तो भगवान तो श्रद्धा पर बलबल जाते हैं, भगवान तो श्रद्धा पर बिक जाते हैं, भगवान तो श्रद्धा को के कारण से ही खींची हुए आ जाते हैं, क्योंकि उनके तो श्रद्धालु है ना प्यारे, श्रद्धा ही उनको खींच लाती है ना। कमाल के बोल है रस खान के, क्या गजब ढा देता है, शेष में एक दिनेश दिनेश सुरसरी जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद अभेद बतावे, ताही अहीर की छोरियां छछिया वर छाछ पे नाच नचावे, जिनको सारे ब्रह्म विष्णु महेश जिनका पार नहीं पा सके, पची हारी गए पुनि पार न पावे, कितनी समाधियां लगा लगा के बैठ गए, वो तो पार नहीं पा सके, शेष में एक दिनेश दिनेश ये सारे ताई अहीर की छोरियां छचिया बरछात के नाच के चावे, श्रद्धा प्रेम
भगवान प्रकट हुए फिरती है जो अहीर की चोलियों के सामने और बाल गोपालों के सामने, इतने प्रकट, इतने प्रकट। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले रह जाए पर भक्त मान नहीं चलते। जरा ध्यान से, जरा विचार से, ऐसे ही शब्दों में भरकर मेरे भगवान के प्यारे भगवान को रिझा के अपना कल्याण करके चले गए। सुना उनके दिल से निकले हुए मीठे मीठे बोल जिनको भगवान सुन के रह नहीं सके। कहा इन्होंने तप किया, क्या इन्होंने जप किया, कहा ये जो है घोर क्या कंदराओं में गए, क्या अपने मन में शुद्ध पवित्र प्रेम जगा लिया और भगवान को वही बुला लिया। क्या उद्गार है इनके, क्या आकर्षिक भाव है ऐसे श्रद्धालुओं के। हम तुमको बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मोहन, हम तुमको बुला लेंगे, आओ मैं अतर होगा यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आहो में असर होगा यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मोहन, अपना ते तुम हमें ना, इसकी जरा न चिंता, अपना ते तुम हमें ना, इसकी जरा न चिंता, हम बात के पके खे, हम बात के पके गए, अपना ही बना लेंगे, तुम रूठ रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आओ में असर होगा यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मोहन। गौर कीजिए, फिर देखना लगा के ये आग जुदाई की ही, फिर देखना लगा के ये आग जुदाई की, हम अश्रु प्रेम जल के, ये अश्रु प्रेम जल के सब आग बुझा देंगे, ये अश्रु प्रेम जल के सब आग बुझा देंगे, तुम रूठ रहो मुगल, हम तुमको मना लेंगे, आओ में असर होगा यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मुगल, हम तुमको मना लेंगे, घर तुमको यहाँ से अच्छा अपना वो मधुबन। हाय, इसलिए नहीं आते,
सुंदर तुमको यहाँ से अच्छा अपना हो मधुबन। अच्छा अच्छा हम अपने मधुर मन को मधुबन सा बना लेंगे, हम अपने मधुर मन को मधुबन सा बना लेंगे। आहों में असर होगा यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोगल हम तुमको बुला ले मना लेंगे, तुम रूठे रहो मोगल। हाँ बहाना बनाते हो, तुम कहते कहाँ बैठूं रे तेरे पास ना आसन। मैं आता हूं कहा दिखाएगा सौरे तरीका, कांटे में मुझे बुला रहा है, घास में मुझे बुला रहा है। तुम कहते कहाँ बैठूं तेरे पास ना आसन, हम कहते आ तो जाओ बेटी, हम कहते आ तो जाओ पलकों को बिछा लेंगे, हम कहते आ तो जाओ पलकों को बिछा लेंगे, आओ में असर होगा यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मोहल हम तुमको मना लेंगे, आओ में असर होगा यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मोगल हम तुमको मना लेंगे, आओ में असर होगा यही बैठे बुला लेंगे, फिर देख लो लगा के ये आग जुदा की, ये अश्रु प्रेम जल के सब आग बुझा देंगे, तुम रूठ रहो मोहल हम तुमको मना लेंगे, तुम रूठ रहो मोहल। बल्ला पकड़ के भिक्षु छोड़ेगा ना तुम्हारा, ये बात बल्ला पकड़ के भिक्षु छोड़ेगा ना तुम्हारा, ऐसा अब हम तुमको ऐसा ही फंसा लेंगे, ऐसा अब हम तुमको ऐसा ही फंसा लेंगे, आओ में असर होगा यही बैठे बुला लेंगे, तुम रूठ रहो मोगल हम तुमको मना लेंगे, तुम रूठ रहो मोगल। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।